घर नागपुर है, नागपुर में पला बड़ा हूँ और बचपन से ये संघियों को देखते हुए आया हूँ, इनका पॉलिटिक्स समझते हुए आया हूँ और एक अम्बेडकरवादी परिवार से मैं आता हूँ और बचपन से इनको विरोध करते आ रहा हूँ, इनको बताते आ रहा हूँ इनको सही मानने वाले हैं। और जो महाराष्ट्र से एक आवाज आई थी वामपंथ और जातिवाद के खिलाफ, जो अन्ना भाऊ साठे और कॉमरेड शरद पाटिल ने उठाई थी, उसको आज आगे ले जाने के लिए मैं आपके सामने आज यहाँ खड़ा हूँ। फ्रेंड्स, आज जो संग्राम यहाँ शुरू हुआ है, ये सिर्फ जेएनयूसी इलेक्शन तक नहीं चलेगा, ये सिर्फ इस प्रशासन के खिलाफ नहीं चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग यहाँ से नागपुर में रेशम बाग मैदान जाके मोहन भागवत को नहीं पता देते कि आ गए हैं। साथियों, जो पूरा आज देश में एक माहौल बनाया गया है उसका एक एग्जांपल, एक उसका एक पूरा इसका एक सटीक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, वहाँ पे भाजपा एक कैंडिडेट देता है प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस है, जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज है। और जब मीडिया मोदी जी से पूछता है कि ये तो आतंकवादी है, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे भारत की संस्कृति को आगे ले जाएंगे। ये कैसे संस्कृति का बात कर रहे हैं हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ये उस संस्कृति का बात कर रहे हैं जिसमें मनुस्मृति आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाएं दुर्जम दर्जे के इंसान है, कहा जाता है कि अगर कोई दलित वेद सुन ले तो उसे कान में शीशा पिघला के डाला जाए। और ये वही संस्कृति है जो पेशवाई से लेके विश्व हिंदू परिषद तक कर और आज आरएसएस और बीजेपी के रूप में आज हमारे सामने है। ये वही संस्कृति है जिसके खिलाफ एक समय चारवाक खड़े थे, एक समय संत रविदास खड़े थे, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज से लेके भगत सिंह, इस देश का किसान मजदूर आंदोलन, बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार खड़े रहे। साथियों, ये बात करते हैं राष्ट्रवाद का, ये कैसे राष्ट्रवाद का बात करते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। ये कारगिल जब युद्ध होता है तब उसके बाद जो जवान वहाँ पे अपनी जान गंवाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके ताबूत का घोटाला करते हैं, ये उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिसमें पुलवामा में जब एक आतंकी हमला होता है, जवान शहीद होते हैं, तो वहाँ पे उनके चिताओं पे अपनी रोटियां तो सेक लेते हैं पर बाद में उनके परिवारों का क्या हुआ उसके बारे में एक शब्द नहीं निकालते हैं। और ये वही लोग हैं जिनका राष्ट्रवाद जो अंग्रेज है उनके तलवे चाटने का था, इनके जो चचा है सावरकर, जिनके दादू लगते हैं शायद, ये अंग्रेजों को बार बार अंडमान निकोबार से माफीनामा लिखते जा रहे थे कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ऐसे राष्ट्रवाद को हम रिजेक्ट करते हैं और हम ये कहेंगे एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें जनता का बात नहीं हो, जिसमें लोगों का बात नहीं हो, जिसमें ये सारा राष्ट्रवाद को हम खोखला मानते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हुए हम अपना राष्ट्रवाद को यहाँ पे असर्ट करेंगे, जो भगत सिंह का राष्ट्रवाद है, जो अम्बेडकर का राष्ट्रवाद है, जो पेरियार का राष्ट्रवाद है। मेरे पहले साथियों ने काफी विस्तार में जेएनयू के ऊपर में हमले के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमला हो क्यों रहा है। हमला इसीलिए हो रहा है कि जेएनयू का छात्र हमेशा लोकतंत्र के, सेकुलरिज्म के, डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़ा रहा है। आप याद कीजिए इमरजेंसी का समय जब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन उसके खिलाफ एक आवाज उठाया था, आप याद कीजिए 84 के दंगे जब जेएनयू का ही छात्र यहाँ पे एक सेफ हेवन बनाया था उन दंगों के खिलाफ, आप याद कीजिए 2002 के दंगे जब यही मोदी जी गुजरात में बैठ के एक दंगा करा रहे थे, तब जेएनयू का छात्र यहाँ से जाता है गुजरात, गुजरात जाके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को देश की जनता के सामने लाता है और तब इनके प्रवीण दोगड़िया जी है वो कहते हैं कि जेएनयू में बम गिरा के उसको उड़ा देना चाहिए। और आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर पांचतन्य, वो तब से आज तक एक ही राग अलाप रहा है और वो है कि जेएनयू दरार का गढ़ है, जेएनयू में देशद्रोही पड़ता है, एंटी नेशनल पड़ता है। और इसीलिए ये आरएसएस का चमचा मामीडाला जगदीश कुमार जैसे ही इस कैंपस में आया था, मुझे याद है 10 दिन नहीं हुए थे जेएनयू से प्रेसिडेंट को अरेस्ट करवा दिया गया, 10 दिन नहीं हुए थे जब पूरा इनका गोदी मीडिया लग गया कि कैसे जेएनयू को बदनाम किया जाए एंटी नेशनल देशद्रोही कह के।
और यही लोग जो उस समय शटडाउन जेएनयू का कैंपेन चलाए थे, जो नारा दे रहे थे जेएनयू को बंद कराने के लिए, उनको जब हमने परास्त किया सड़कों पे उतर के एक संघर्ष करके, तो आज कहीं ना कहीं वो उसी शटडाउन जेएनयू को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से 2000 एमपीपीटी का सीट काटा जाता है किसी गैजेट के नाम पे। याद कीजिए किस तरीके से जेस कैश को डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है, और याद कीजिएगा अतुल जौहरी को शील्ड करने वाला यही वो प्रशासन है। और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से फंड कट करते हुए जेएनयू का इंक्लूसिव जो एक मॉडल है 283 रुपए का, उसको खत्म करने का एक कोशिश प्रशासन बार बार करते रहा है। और अखिल भारतीय वीसी परिषद इसमें एक बी टीम के रूप में, जैसे याद कीजिए जब आजादी के पहले आरएसएस जैसे अंग्रेजों के तलवा चाटता था, आज ये एबीवीपी इस कैंपस में प्रशासन का तलवा चाट रहा है। आज एक पर्चा लाया एबीवीपी, आप अगर उसको निकाल के पढ़िएगा तो उसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि जेएनयूएसयू खुद को नोटिफाई नहीं कर पाया। तो उनके जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले फरवरी में ही दिल्ली हाईकोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर देते हुए कहा कि जेएनयूएसयू जो है एक लेजिटिमेट बॉडी है, उसको हर मीटिंग में बुलाना पड़ेगा। और ये बोला कब? ये कब बोला? जब हमने एकेडमिक काउंसिल को रोही होने दिया कि बिना स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के ऐसी मीटिंग नहीं हो सकता है। और जो एबीपी आज भाषा यूज कर रहा है प्रशासन का, ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरह हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अलग अलग बयानों के थ्रू चलते हुए गाड़ी का हवा निकाल देते हैं और बोलते हैं कि 50 साल से सड़क नहीं बना इसलिए गाड़ी नहीं चल रहा है। ये वही लॉजिक वही भाषा आज एबीवीपी हमारे कैंपस में यूज कर रहा है। और आने वाले समय में जब ये इलेक्शन हो रहा है, तो इस समय इलेक्शन कुछ अलग नहीं है, इलेक्शन साल भर में जो हम एक आंदोलन करते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं, उसी का एक अगला पड़ाव है, उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि आज देखिए किस तरीके से प्रशासन बार बार कोशिश कर रहा है हमारे जेएनयूएसयू के इलेक्शन में धांधली करने का, उसमें इंटरफेयर करने का। पिछले साल भी ये लोग किया, वायलेंस किया, एडमिनिस्ट्रेशन उनको शील्ड किया, जब उससे भी हार गए तो साल भर यही राग अलापते रहे कि जेएनयूएसयू जो है वो जीएसटी का बिल सबमिट नहीं किया। और आज जब ये इलेक्शन होने जा रहा है, बार बार इलेक्शन कमेटी को धमकियां दी जा रही है, बार बार बुला के इंटिमिडेट किया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि आपको चुनाव कराने के लिए पैसा नहीं देंगे। अरे भाई पैसा क्या मोदी जी देते हैं? पैसा यहाँ का छात्र अपने फीस में 15 रुपए यूनियन का फी देता है, उससे इलेक्शन होता है। प्रशासन ये कहता है कि आप लोग ईवीएम लाइए, बैलेट बॉक्स से मत कराइए। ये कहता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट झेलम लॉन्च के निकल कर पीएसआर में कराना चाहिए। आप बताइए पीएसआर में डिबेट सुनने के लिए छात्र जाएगा या नीलगाय जाएगा? ये लोग इस तरीके से आज इस जेएनयूएसयू का इलेक्शन प्रोसीजर में अपना एक रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। और आज ये हमारा एक मूवमेंट होगा कि इस इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर और एक अनबायस तरीके से कराए, जेएनयूएसयू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कराए। क्योंकि जो एबीवीपी आज जेएनयूएसयू कॉन्स्टिट्यूशन मानने से नकार कर रहा है, ये उसी आरएसएस का एक स्टूडेंट विंग है जो कि हमारे देश का संविधान नहीं मानता है, जो जंतर मंतर को देश का संविधान जलाता है। और आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं, बहुत सारे लड़ाइयां हमारे सामने आने वाली है। एक तरफ हमारे कैंपस से रातों रात 450 गार्ड्स को काम से निकाल दिया जाएगा, ये कहते हुए कि इस कैंपस में नेशनलिज्म को लाने के लिए हमको एक नया गार्ड को लाना पड़ेगा। ये होने वाला है कि कैंपस में जब लाइब्रेरी के में किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो हमें बायोमेट्रिक सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पैसा देगा और हमको यहाँ पे अंगूठा लगवाना पड़ेगा रोज आते जाते हॉस्टल में। जब ये सारे लड़ाइयाँ हमारे सामने हैं, जब फंड कट का एक मुद्दा हमारे सामने खड़ा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बार बार आ रहा है, हॉस्टल लाइब्रेरी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ हमारे कैंपस में जो एक डिबेट और डिस्कशन का कल्चर है जो हम लोग ने सुना था जेएनयू आने से पहले, दीवारों की अगर कान होते हैं तो जेएनयू में दीवारों की जुबान भी होती है, जेएनयू में दीवारें खोलती है। आज जो इन्होंने पोस्टर हटा के एक पुराना नियम कहीं से ढूंढ के ला के डिफेसमेंट के नाम पे हमारे एक आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का एक कोशिश किया है, उसके खिलाफ आने वाले समय में एक मोर्चा हम लोग खोल के वापस अपना जगह रिक्लेम करेंगे, हर वो डेमोक्रेटिक स्पेस को रिक्लेम करेंगे। अपना बात को खत्म करते हुए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम लोग को इस मूवमेंट को एक नए पड़ाव पे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आप याद कीजिए, काफी सारे नए स्टूडेंट हमारे साथ हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2 साल पहले
हम लोगों ने एक लॉन्ग मार्च निकाला था अटेंडेंस के खिलाफ, जोहरी को सस्पेंड करवाने के लिए, उसको अरेस्ट करवाने के लिए, जीएस कैश के लिए, जो जेएनयू से स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट पैदल निकला था पार्लियामेंट के लिए, पर बीच रास्ते में हम लोग को रोक लिया गया, रोका गया, हमारे ऊपर बर्बरता से लाठी चलाई गई, टियर गैस मारा गया, अलग अलग पानी मारा गया और उस मार्च को रोका गया। आने वाले समय में हम लोग उस मार्च को शुरू करते हुए संसद भवन तक ले जाएंगे और इन फासिस्ट ताकतों को यही कहते हुए मैं आप सबको यही अपील करूंगा कि ये मूवमेंट सिर्फ इलेक्शन तक खत्म नहीं होगा, ये मूवमेंट चलेगा तब तक के जब तक के हम लोग जो आज इस देश में संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं, वो अपने वैल्यूज को सिर्फ अपने क्लासरूम से नहीं बल्कि सड़कों पे, अपने समाज में इन प्रैक्टिस, इन प्रिंसिपल हम लोग जब तक लाते नहीं तब तक ये लड़ाई चलेंगी और हम लोग इसमें जुड़े रहेंगे। जय कहते अपना बात खत्म करूंगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले हमारे आउटगोइंग यूनियन